हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में ग्रामर का चैप्टर 5-6 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 5 में बच्चों है नाउन यानी संज्ञा। तो यहाँ पे स्टोरी टाइप में बच्चों छोटी सी दी हुई है, हम इसे पढ़ते हैं फटाफट। सैली आज जल्दी सो गई, सोते ही प्यारा सपना देखने लगी। उसने देखा आकाश से एक परी आ रही है, उसके वस्त्र चमकदार थे, उसकी आँखें नीली थी। वह सैली को अपने साथ परीलोक ले गई। परिलोक में सुंदर वृक्ष थे, चारों हरियाली थी, खुशबूदार हवा बह रही थी। वहाँ हंस उड़ रहे थे, पतके झीलों में तैर रही थी, वहाँ छोटी छोटी परियाँ भी थी, वे मस्ती में नाच गा रही थी। उन्होंने सैली को चॉकलेट और मिठाइयाँ दी। सपना देखकर सैली को बहुत मज़ा आया। तो मतलब आपने जो ये स्टोरी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है बच्चों, एक स्टोरी टाइप में था, एक सपना है बच्ची का। तो इसमें जितने भी आपको रंगीन शब्द दिख रहे हैं, ये शब्द सारे शब्द बच्चों क्या हैं, ये या तो किसी व्यक्ति का नाम है, या वस्तु का, या स्थान का, या फिर भाव का। तो ये सब क्या हैं बच्चों, संज्ञा हैं, ठीक है। अब व्यक्तियों के नाम में कौन कौन सा था इसमें, सैली, परी और परियां। प्राणियों के नाम में था हंस और बतखें। वस्तुओं के नाम में था इसमें वस्त्र, आँखें, वृक्ष, हवा, चॉकलेट और मिठाइयां। स्थानों के नाम में था आकाश, परिलोक, झीलें। और भावों के नाम में था बच्चों इसमें सपना, हरियाली, मस्ती और मज़ा। नाम से ही किसी की पहचान होती है, इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। सेकेंड क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी ये जो शब्द भी आपको कलर शब्द जितने भी दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं बच्चों, संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये आप सभी को पता है, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए आपको सभी वीडियोज को अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के मार्क्स बच्चों, फाइनल जो आपका रिजल्ट तैयार होगा उसमें जुड़ेंगे। आपको मैंने कई बार बता दिया है, और आपका सिलेबस भी मैंने आपको कई बार बता दिया है कि रीडर में आपका चैप्टर 1-9 आएगा और ग्रामर में आपका चैप्टर 1-10 आएगा, ठीक है बच्चों, हिंदी में, ओके। अब इसके बाद देखते हैं, आइए कुछ और नाम देखें व्यक्तियों के नाम। सरोजनी नायडू, तेनालीराम, अमिताभ बच्चन। प्राणियों के नाम, डॉल्फिन, गेंडा, बगुला। वस्तुओं के नाम, कंप्यूटर, बल्ला, ज्योमेट्री बॉक्स। स्थानों के नाम, पार्क, मैदान, बाजार। भावों के नाम, शरारत, हंसी, बुढ़ापा। ये सब क्या हैं बच्चों, संज्ञा हैं। भावों के नाम केवल महसूस किए जा सकते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते। जैसे खुशी मन का भाव है, हम खुशी को महसूस तो कर सकते हैं, इसे छू नहीं सकते। भावों को देखा भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो यानी कि जो व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम, सब क्या हैं, संज्ञा हैं, ठीक है। अब हमने जाना, नाम से ही किसी की पहचान होती है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भावों के नाम केवल महसूस किए जा सकते हैं, हम न तो इन्हें छू सकते हैं और न ही इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके बच्चों। सबकी पहचान किससे होती है, किससे होती है, नाम से। भावों के नाम की क्या विशेषता है, भावों के नाम केवल महसूस किए जा सकते हैं, हम न तो इन्हें छू सकते हैं और न ही देख सकते हैं। भावों के नाम बच्चों केवल महसूस किए जा सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान में भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान में भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई चार संज्ञा शब्द लिखिए। तो आप कोई भी चार, राम, शरारत, पेंसिल, पार्क, मैंने चार लिखे, आप कोई और चार भी लिख सकते हैं जो आपको आते हों। प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कन्निका, अभिनव, सैफ किन के नाम हैं, व्यक्तियों के हैं सब। फल, पेंसिल, साइकिल किन के नाम हैं, वस्तुओं के हैं। हंसी, मजाक, खुशी किन के नाम हैं, भावों के, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक चित्र दिखाया हुआ है, यहाँ इसमें से आपको 8 संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं, जो भी आपको दिखे। मैंने यहाँ पे लिखे हैं बंदर, बतख, कार, पेड़, मछली, बच्चे, झूले और मस्ती। आपको कोई और नज़र आता है तो आप चेंज कर सकते हैं। चित्रों के नामों से वाक्यों के खालिस्तान भरिए। डाकिया, डाक कौन लाता है, डाकिया। काँव काँव करता है कौन, कौवा। अंडे देती है मुर्गी। काँव काँव कौन करता है, कौवा। डाक कौन लाता है, डाकिया। खालिस्तान ने चोरों को पकड़ा, कौन पकड़ता है, पुलिस। चुटकुला सुनकर मुझे जोरदार खालिस्तान क्या आ गई हंसी। ये बच्चा हंस रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आपके एक पहेली टाइप में दी हुई है कि पशुओं में खूंखार है, शक्ति उसमें अपार है, भारत का है राष्ट्रीय पशु, बतखों को बताने को कौन तैयार है। तो क्या है वो, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा, बाघ, ठीक है।
लाल चोंच का पक्षी लाल गले में माला, जो सिखाए वही कहता है घर में जाए पाला, जो सिखाओ वही कहता है घर में जाए पाला। कौन है लाल चोंच का? तोता। छोटा सा यह जीव है गूंगू इसकी तान, मारे डंग सुई चुबाए क्या है इसका नाम, क्या नाम है इसका? मधुमक्खी। यहाँ पे बच्चों दी हुई है देखो यहाँ पे चित्र, इनमें से देख के भी आप कर सकते हो। बाघ है, ये मधुमक्खी है, तोता है, ये किसान है। आराम इसे कभी न भाता, धूप बारिश सब झेल जाता, कड़ी मेहनत करके ये हमारे लिए अन्न उगाता। तो कौन है ऐसा? किसान। ठीक है बच्चों, इस बार बच्चों आप चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, लिंग, जिसे इंग्लिश में आप जेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने सेकंड क्लास में पढ़ा होगा कि जाति दो प्रकार की होती है, जाति जो हमें पुरुष और स्त्री का बोध करा उसे जाति कहते हैं। तो वही सब चीज़ यहाँ पे है। लड़का दौड़ रहा है तो लड़का, हाथी झूम रहा है इसमें हाथी, मुर्गा बांग दे रहा है मुर्गा, अब लड़की नाच रही है लड़की, तो लड़का का स्त्रीलिंग लड़कियाँ हैं। लड़का और लड़की क्या है बच्चों? लिंग है। हाथी हथनी मुर्गा और मुर्गी। ठीक है, तो इन वाक्यों से पता चलता है सभी व्यक्ति और प्राणियों को कोई ना कोई लिंग होता है। ऊपर के वाक्यों में लड़का हाथी और मुर्गा पुरुष जाति के हैं और लड़की हथनी और मुर्गी स्त्री जाति के हैं। हम कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। किसे कहते हैं लिंग बच्चों? शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री और पुरुष जाति का पता चले, स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग दो प्रकार के होते हैं बच्चों, पुल्लिंग यानी कि पुरुष की जाति को पुल्लिंग और स्त्री जाति को स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है पुल्लिंग, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे पुल्लिंग दिए हुए हैं वो सब इनके स्त्रीलिंग, ऐसे यहाँ पे सब पुल्लिंग है और इनके ये स्त्रीलिंग। जैसे वर का देखते हैं तो वर का स्त्रीलिंग वधु, भाई का स्त्रीलिंग बहन, माली का मालिन। ठीक है, ऐसे चोर का चोरनी, बाल का बाला। ठीक है, सब दिए हुए हैं आपको, सब पढ़ने हैं। यह भी जान लें लिंग केवल व्यक्तियों प्राणियों का ही नहीं होता, अन्य वस्तुओं का भी होता है। लिंग जो है वो केवल व्यक्तियों और प्राणियों का ही नहीं होता। फूल खिल रहा है तो कौन सा है? पुल्लिंग। नदी बह रही है, आपको इस वाक्य से पता चलेगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। टेलीविजन चल रहा है, ये क्या है? पुल्लिंग। तो दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। दिनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग। हमने जाना सभी व्यक्तियों और प्राणियों का कोई ना कोई लिंग होता है। लिंग में हमें, लिंग से हमें पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से हमें पुरुष जाति का और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का पता चलता है। वस्तुओं का भी लिंग होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लिंग से हमें क्या पता चलता है? लिंग से हमें स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है। क्या पता चलता है हमें? अभी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किससे हमें स्त्री और पुरुष जाति का पता चलता है, तो किससे चलता है? लिंग से। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्वेश्चन आंसर्स, पुल्लिंग किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग, यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले तो पुल्लिंग, स्त्री जाति का पता चले तो बच्चों स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या वस्तुओं का भी लिंग होता है? हाँ, नहीं, पता नहीं। हाँ, वस्तुओं का भी लिंग होता है। दिनों के नाम, दिनों के नाम क्या हैं? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। खुशी हंसी खुशी किस जाति के हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। किस जाति के हैं हंसी खुशी? स्त्रीलिंग जाति के हैं। ठीक है, दिए गए चित्रों के नीचे उनका लिंग लिखिए। तितली है तो स्त्रीलिंग में आएगा, ये क्या है? गाय है, स्त्रीलिंग में आएगा। किताब स्त्रीलिंग में आएगा, पंखा पुल्लिंग में आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका, रंगीन शब्दों के लिंग बदलने हैं यहाँ पे। दादाजी का क्या आ जाएगा? दादी जी। राजकुमार का? राजकुमारी। बहन का? भाई। सेठ जी का? सेठानी। माली का? मालिन। ठीक है, यहाँ पे लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखने हैं बच्चों आपको। एक बकरा घास खा रहा है तो बकरी घास खा रही है। एक आदमी जा रहा है तो एक औरत जा रही है। ऊँट भागा जा रहा है, ऊँटनी भागी जा रही है। वरमाला पहन रहा है वधुमाला, सॉरी वरमाला पहना रहा है वधुमाला पहना रही है। गायक गीत गा रहा है, गायिका गीत गा रही है। यानी कि जो जितने भी रंगीन शब्द आपको दिए हुए, इन सबके लिंग चेंज करके आपको ये वाक्य दोबारा से लिखने थे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों पहली टाइप में दी हुई है, पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा? माता। नेक्स्ट है भाई, मालिक का स्त्रीलिंग मालकिन। फिर है आपका भाई का स्त्रीलिंग बहन। बकरा का स्त्रीलिंग बकरी।
बालिका का स्त्रीलिंग बालक और बाल का स्त्रीलिंग बाला। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे फिल करने थे, कुछ ऐसे फिल करने हैं। ये वाला ऐसे फिल करना था, ये ऐसे। ठीक है, ये आपकी पहेली दी हुई है, सीडी दी हुई है, शब्द सीडी है ये। इसका चैप्टर नंबर 7 देखते हैं बच्चों, आपका वचन। वचन बच्चों आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे कुछ चित्र दिख रहा है, चित्र में बच्चों देखो एक बच्चा दिख रहा है, एक बच्चा बाहर दे रहा है, कुछ बच्चे छिप रहे हैं, एक औरत टहल रही है, कुछ औरतें बेंच पे बैठी हैं, एक तोता पेड़ पर बैठा है और कुछ कई तोते आकाश में उड़ रहे हैं। यानी कि ये जो रंगीन शब्द जो आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों, ये सब ही क्या हैं? वचन। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? वचन। शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे एक एक संख्या दिख रही है तो एक वचन, एक से ज़्यादा दिख रही है तो बहुवचन। यानी कि शब्द के, अब एक बच्चा बाहर दे रहा है, यहाँ पता चल रहा है कि एक बच्चे की बात हो रही है, कुछ बच्चे छिप रहे हैं, यहाँ पता चल रहा है कुछ बच्चे यानी कि एक से ज़्यादा हैं, संख्या पता चल रही है। तो वही है कि शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। किसे कहते हैं? वचन। शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। फिर वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने प्रकार के होते हैं वचन? एक वचन और बहुवचन। एक संख्या वाले एक वचन और एक से अधिक संख्या वाले बच्चों बहुवचन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक वचन और बहुवचन के आपके एक वचन, ये बहुवचन दिए हुए हैं। जैसे लड़का का लड़के, बहन का बहने, रात का रातें, पाठशाला का पाठशालाएं, माता का माताएं, ये सब आपके दिए हुए हैं। छत का छतें, ये आपको सब पढ़ने हैं, देखने हैं। चिड़िया का चिड़ियाँ, चूहिया का चूहियाँ, खुशी का खुशियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, बधाई का बधाइयाँ, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से यह भी जान लें, जब एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है तब अधिकतर शब्दों का रूप बदल जाता है। जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो अधिकतर शब्दों का रूप जो है वो बदल जाता है। जैसे बच्चा बच्चे, पेंसिल पेंसिलें। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, जैसे एक शेर चार शेर, एक पेड़ कई पेड़। इनके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, भीड़ वर्षा बाजार पानी तेल, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बच्चों एक वचन में होता है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, जैसे बाल आंसू दर्शन हस्ताक्षर, इनका प्रयोग क्या होता है? बहुवचन में। अगर ये शब्द आपको दिख गए तो ये सब क्या है? बहुवचन। और ये वाले दिख गए ऊपर वाले तो ये सब एक वचन। ठीक है, बड़े लोगों को आदर देने के लिए वाक्य में एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह करते हैं। दादाजी आ गए, नाना जी अखबार पढ़ रहे हैं। यानी कि अपने से बड़ों को आदर देने के लिए हम एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह ही करते हैं। नाना जी तो एक ही हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे बहुवचन हो, नाना जी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यानी कि एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह कर रहे हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले वो वचन। कितने होते हैं? दो, एक वचन और दो बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने से अधिकतर शब्दों के रूप बदल जाते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन की तरह प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द सदा बहुवचन की तरह। ठीक है, बड़े लोगों को आदर देने के लिए वाक्य में एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी से क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। किसे कहते हैं? वचन। शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? एक संख्या वाले रूप को एक वचन और एक से अधिक संख्या वाले रूप को बहुवचन कहते हैं। बड़े लोगों को आदर देने के लिए क्या करते हैं? बड़े लोगों को आदर देने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह करते हैं। क्या करते हैं? एक वचन का प्रयोग बहुवचन की तरह करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन की तरह ही प्रयोग होता है? पानी लड़का नदी, नहीं, लड़का का तो लड़के हो जाएगा बहुवचन, नदी का नदियाँ हो जाएगा, तो पानी बच्चा पानी, इसको सदा एक वचन की तरह ही प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदा बहुवचन की तरह प्रयोग होता है? रातें घोड़ा, सॉरी घोड़े आंसू, तो इसका तो रात हो जाएगा एक वचन, इसका घोड़ा हो जाएगा, तो ये कौन सा बच्चा? आंसू। ये क्या होता है? सदा बहुवचन की तरह। ठीक है, चित्रों की संख्या के अनुसार उनके नीचे एक वचन बहुवचन लिखिए। एक वचन है, एक ही है, ये एक से ज़्यादा है तो क्या है? बहुवचन। ये भी एक है तो एक वचन, ये एक से ज़्यादा तो बहुवचन। ये भी एक है तो एक वचन, ये एक से ज़्यादा है इसमें तारे सारे तो बहुवचन। बहुवचन के यहाँ बहुत सारे सिक्के नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे घड़ी एक ही है तो एक वचन, इसमें बच्चों बहुत सारे तारे नज़र आ रहे हैं इसलिए बहुवचन होगा। आप ये मत समझना कि ये एक ही है, इसमें तारों के बारे में बात की गई है। ठीक है, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ पर तोते बैठे हैं, यानी कि रंगीन शब्द जो है उनके आपको वचन चेंज करने हैं। किताब का किताबें हो जाएगा, घंटी का घंटियां हो जाएगा, माला का मालाएं हो जाएगा,
बतख का बतखें हो जाएगा, ठीक है।